गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप अपनी जगह सुरक्षित हैं। तो आज हम करने जा रहे हैं, हमारा जो टॉपिक है आवर नेशनल सिंबल्स, ठीक है, जो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक हैं, जो राष्ट्रीय चिन्ह हैं, हम उनके बारे में आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप ध्यान से सुनना और सभी बातों को नोट करके रखना, अपने माइंड में रखना, ओके। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला है द पीको, यानी कि मोर। आपने मोर देखा है, मोर जो है हमारा क्या है, वो नेशनल बर्ड, यानी कि वो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, ठीक है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है और उसकी क्या खास बात है, लार्ज इन साइज, यानी कि जो उसका आकार है वो अन्य पक्षियों से लार्ज यानी कि बड़ा होता है। और क्या खास बात है इसके अंदर, लॉन्ग ब्लू ग्रीन फीदर ऑन इट्स टेल, और जो उसकी पूंछ होती है, जो उसके पंख होते हैं, वो लंबे होते हैं और ब्लू और ग्रीन कलर के होते हैं, ठीक है। फीदर का मतलब होता है उसके पंख, आपने देखा है ना। और जब मोर नाचता है उनको फैलाकर, तब वह बहुत ही खुश होता है उन्हें पंखों को देखकर। तो दूसरा जो हमारा है वो है नेशनल फ्लैग, हमारा राष्ट्रीय ध्वज। क्या है हमारे राष्ट्रीय ध्वज का नाम, आपको पता है ना? यस, हमारे राष्ट्रीय ध्वज का नाम तिरंगा है, इसको हम इंग्लिश में ट्राइकलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्राइकलर, तीन रंगों वाला, यानी कि कौन कौन से रंग है उसके अंदर। सबसे पहला कौन सा होता है, केसरिया, फिर सफेद और फिर हरा, ठीक है। इंग्लिश में कैसे कहेंगे हम उनको, सबसे पहला जो कलर वो है सैफ्रन, एस ए डबल एफ आर ओ एन, उसके बाद है व्हाइट, डब्ल्यू एच आई टी, और उसके बाद है ग्रीन, जी आर डबल ई एन। तो इन तीनों कलर के कारण ही इसे ट्राई कलर बोला जाता है, तिरंगा कहा जाता है, ठीक है। और क्या है इसके अंदर खास बात, इसके अंदर एक व्हील होता है, ठीक है, एक चक्र होता है ऐसा, और यह किस कलर होता है, डार्क ब्लू कलर्स का। और इसके अंदर क्या खास बात होती है, व्हील होता है, व्हील के अंदर 24 स्पोक्स होती है। क्या भी है, स्पोक्स, स्पोक्स मतलब तीलियां, ठीक है। तो 24 इसके अंदर तीलियां होती है और यह डार्क ब्लू कलर का होता है, क्लियर है ना, ओके। आगे हमारा नेशनल एम्बलम, हमारा राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, आपको आपने कहीं वो देखे होंगे, जो करेंसी है हमारी, जो रुपए है ना, है ना, देखे ना आपके ऊपर तीन शेर आपको दिखाई देते हैं, एक्चुअल में वो तीन शेर नहीं है, वो कितने हैं, वो चार शेर है, और उन चारों का मुंह अलग अलग डायरेक्शन यानी कि दिशाओं में है, ठीक है, पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण। तो हमें सामने से वो तीन शेर दिखाई देते हैं, बट एक्चुअल में वो चार शेर होते हैं, ठीक है। और क्या बात है, वो हमें कॉइंस के ऊपर यानी कि सिक्कों के ऊपर और हमारे जो करेंसी नोट है उनके ऊपर है। आप चाहो तो अभी अपने सिक्के या नोट निकाल कर देख सकते हैं, आपको उस पर शेर दिखाई देंगे, ठीक है। इसके बाद है हमारा टाइगर, जो बाघ हम जिसको कहते हैं, वो क्या है हमारा नेशनल एनिमल, राष्ट्रीय पशु, ठीक है। कौन है, बाघ, और यह है येलो और ब्लैक स्ट्रिप्स इसके ऊपर होती है, यानी कि पीली और काली धारियां, ठीक है, देखा होगा आपने लॉयन को, सॉरी टाइगर को देखा है ना। और यह दौड़ने में बहुत ही फास्ट दौड़ता है, ठीक है, इसकी जो दौड़ है वो सबसे अधिक आंकी जाती है। उसके बाद क्या है हमारा लोटस, लोटस यानी कि कमल का फूल, क्या है हमारा ये नेशनल फ्लावर, ठीक है, और यह है व्हाइट कलर का है, कौन से कलर का है, व्हाइट कलर का है, और यह है ब्लूम्स इन वाटर, और यह पानी के अंदर खिलता है, आपने देखा होगा यह विभिन्न रंगों के अंदर, ठीक है, मैनी कलर्स के अंदर ये आता है। कौन कौन से कलर है, वो पिंक कलर में आता है, ठीक है, ब्लू कलर में आता है, और हमारा यह है व्हाइट कलर में आता है, ठीक है। तो ये थे हमारे नेशनल सिंबल्स, तो आप सब इनको कॉपी में लिखें और इनको याद करें, ठीक है, और इसको लिखने के बाद अपने कक्षा के व्हाट्सएप ग्रुप में इनको सेंड करें, ठीक है। तो मिलते हैं हम अगला टॉपिक लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।